हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केरला ब्लास्टर्स के फ्रेंडली मैच के बारे में। सो यूई का जो टूर है केरला का, वो अभी से स्टार्ट हो चुका है। और ये जो टूर का पहला मैच था, वो था अल वसल एफसी के अगेंस्ट में। एंड ये मैच को भी वैसे स्ट्रीम किया जा रहा था, बट सैडली इंडिया में उतना अच्छे से स्ट्रीम हो नहीं रहा, यूट्यूब में स्ट्रीम नहीं हो रहा है, आपको वेबसाइट में जाके ही देखना होगा। एंड ये मैच अल वसल एफसी ने एक दो गोल से नहीं बल्कि 6 गोल से जीता है, जो कि लाइक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट भी नहीं है, क्योंकि एक तो केरला का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, अल वसल काफी ज्यादा बड़ा टीम है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया है केरला ने कि हम लोग काफी हाई लेवल टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे, ये काफी बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। अल वसल तो सबसे आप बोल सकते हो थोड़ा सा कमजोर टीम है, बाकी जो दो अपोनेंट्स है, चाहे वो शारजा एफसी हो या फिर शबाब एफसी, शबाब दोनों बहुत स्ट्रांग अपोनेंट है, और शारजा एफसी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अपोनेंट होने वाला है केरला के लिए, लेकिन इनिशिएटिव काफी बढ़िया है। धीरे धीरे ऐसे हार्ड अपोनेंट्स जितना खेलेंगे टीम्स, उतना वो लोग बेहतर प्रिपेयर होंगे, उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हायर लेवल ऑफ फुटबॉल या फिर यू नो टॉप एशिया लेवल ऑफ फुटबॉल होता कैसा है। बट हाँ, नो डाउट उम्मीद करते हैं कि जो दो बाकी फ्रेंडली मैचेस है उसमें केरला कुछ करे, कुछ अच्छा परफॉर्म करे, कुछ गोल स्कोर करे, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन एक अच्छा खासा फाइट दे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। तो एफसी गोवा का भी कल एक प्री सीजन फ्रेंडली मैच था, वो भी किसी और के अगेंस्ट में नहीं बल्कि गोकुलम केरला के अगेंस्ट में। सो लाइक एडुबेडिया अपने ही फॉर्मर टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, एंड ये मैच एफसी गोवा ने 1-0 से जीत लिया। अब सी गोकुलम केरला कोई ईजी टीम नहीं है, एंड प्री सीजन फ्रेंडली में बेसिकली नए स्ट्रेटजीज, नए टेक्निक्स को ट्राई किया जाता है, नए कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाता है, एंड प्लेयर्स का भी जो कोऑर्डिनेशन है उसको उसके ऊपर भी काफी फोकस किया जाता है। सो काफी कुछ एक्चुअली काम होता है यहाँ पे, एंड फिर भी एफसी गोवा ने ये मैच 1-0 से जीत लिया। अब किसने गोल स्कोर किया ये खैर अभी तक ऑफिशियली गोवा ने अनाउंस ही नहीं किया इस मैच का रिजल्ट, बट पता चल गया हम लोगों को कि रिजल्ट गोवा के फेवर में 1-0। जितना मुझे पता चला है कार्लोस मार्टिनेस ने एकमात्र गोल किया, तो कार्लोस मार्टिनेस अगर गोल किया है तो एक अच्छा बात है कि वो गोल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफी 50-50 है, चांसेस उनको जितना मिल रहा है उस हिसाब से उनका लाइक यू नो आप बोल सकते हो कन्वर्शन रेट नहीं, कन्वर्शन रेट जितना बेहतर होगा गोवा के लिए भी अच्छा, क्योंकि गोवा का टीम इस बार ऐसा है कि चांसेस बहुत क्रिएट होने वाले हैं, एक प्रॉपर स्ट्राइकर, प्रॉपर फिनिशिंग, एंड गोवा ऑल सेट टू गो। सो काफी बढ़िया एक प्री सीजन स्टार्ट हुआ है गोवा के लिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही परफॉर्मेंस गोवा का आईएसएल में भी कंटिन्यू हो और बेहतर परफॉर्म करे गोवा आईएसएल में साल। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मोहन बगान सुपर जायंट्स की तरफ से। तो कल से पता नहीं ये र्यूमर क्यों था, बट र्यूमर था कि ग्रेग स्टुअर्ट मोहन बगान में आने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोहन बगान ने ग्रेग स्टुअर्ट को ना कभी ऑफर किया था इस पूरे सीजन में, ना ग्रेग स्टुअर्ट को मुंबई छोड़ने वाला, तो ग्रेग स्टुअर्ट मोहन बगान सुपर जायंट्स में किसी एंगल से नहीं आने वाले, मतलब दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, या बेफिक्र होकर रह सकते हो। एंड मोहन बगान का भी जरूरत भी नहीं है प्लेयर्स का, ऑलरेडी जॉनी कोको को रिजर्व में रखा गया है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हुए या फिर कोई आउट ऑफ फॉर्म आउट ऑफ शेप गए तो उनको लाया जाएगा, तो वहां पे ग्रेग स्टुअर्ट को कहां से डालोगे। ऑलरेडी अटैकिंग मिडफील्ड में हुगो बुमो से, दिमित्री पित्रातो से, दो इतने बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स हैं, एंड फॉरवर्ड में भी लाइक जेसन कमिंग्स, अरमंदो सदीक, इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो वहां पे नए प्लेयर के एडिशन का लॉजिक समझ में नहीं आता, बट हाँ ये नहीं होने वाला है। सो हाँ, ग्रेग स्टुअर्ट को ना कोई ऑफर आया है, ना मोहन बगान में वो किसी बैंगल से आने वाले अभी। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है अल इतिहाद की तरफ से। तो अल इतिहाद ने डेडलाइन डे में, मतलब 31 अगस्त को ट्राई किया था रिचर्लिसन का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सैडली वो डील कंप्लीट हुआ नहीं, फेल हो चुका है, एंड रिचर्लिसन अभी कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ अल इतिहाद ने इस बार काफी हाथ पैर मारा था एंड खर्चा करने का भी बहुत कोशिश किया, बट सैडली वो डील्स पुल ऑफ नहीं कर पाए, एंड बट उन्होंने बोला है कि वो लोग विंटर ट्रांसफर विंडो में और ज्यादा बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे, एंड काफी हद तक लाइक आप बोल सकते हो कि ईमान डगमगा दिया लिवरपूल को, क्योंकि लिवरपूल अभी सोच रहे कि 200 मिलियन मिल जाए तो वो लोग मोहम्मद सलाह को बेच देंगे, बट पहले ये था कि हम लोग सेल ही नहीं करेंगे, बट अमाउंट भी कुछ ऐसा ऑफर किया, मैंने पहले ही बोला था कि अल इतिहाद कुछ ऐसा अमाउंट ऑफर करेंगे लिवरपूल को, वो लोग सोचने मजबूर कर देंगे कि आप क्या करने वाले हो, छोड़ोगे या नहीं। सो ये वाला सिस्टम हो चुका है, एंड वैसे मोहम्मद सलाह को भी काफी अच्छी सैलरी मिल रहा है। सो देखते हैं कि अल इतिहाद का इन फ्यूचर कौन से प्लेयर्स का वो लोग साइनिंग कंप्लीट कर पाते विंटर ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि काफी बड़े प्लानिंग के साथ वो जा तो रहे हैं। नेक्स्ट उधर वाले यूरो क्वालिफायर की तरफ से। तो यूरो क्वालिफायर में आज मैच है अल्बेनिया वर्सेस पोलैंड, एंड हाँ ये वही अल्बेनिया है जहां पर अरमांदो सदीको को हम लोग खेलते हुए देख सकते हैं, ऑल्दो वो थे नहीं लास्ट मैचेस में, बट उनको अभी रिजर्व के लिए रखा गया है। सो इस मैच में हो सकता है कि उनको प्लेइंग 11 में ना सही, बट एटलीस्ट सब्स्टिट्यूशन बेंच हम लोग देख पाए, एंड अगर प्लेइंग 11 में मौका मिल जाए तो क्या ही बेहतरीन बात होगा। अल्बेनिया वर्सेस पोलैंड, सो लेवेंडोस्की वर्सेस अरमांदो सदीको हम लोग देख सकते हैं इस मैच में,
थोड़ा सा चांस है। एंड ये मैच है आज रात को 12:15 में, एंड ये मैच को अगेन आप सोनी लिव में देख सकते हो, सोनी 10 में देख सकते हो। सो देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद पड़े को लाइक करना, शेयर करो दोस्तों बीच में, एंड अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं लगने के साथ तब तक के लिए बाय।